और मैं आपको एक और बताऊं, जैसे हमारे चुनाव हुए थे ना, तो जातिवाद मंत्री लाएंगे ये कि अरे मीणा किस गांव का मानी, मीणा ने पकड़ लिया है, गुजर किस गांव में है, डोटासरा कौन से गांव का मानी, फलाना फलाना किस गांव का मान, जाटी जातिवादी है मंत्री ले रहा जान लारे कने। लेकिन वह मंत्री सिर्फ लंबी धोती चोड़ो कड़प लगा फेरे होला, लेकिन भी कह बात का मान मुड़े कती थाने मुँह ही नहीं दिखाऊंगा। मैं भी आपकी पड़ोसी विधानसभा सुजानगढ़ से हूँ, और जैसे बाबूलाल जी ने बताया, पूर्व में सीताराम जी ने बताया, हम लोग आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। उस समय हमारे भी, आपके तो आरएलपी दूसरी बार खड़ी हो रही है, हमारे तो पहली बार आरएलपी आई थी। आज बीजेपी और कांग्रेस की तो एक सिंबल की जो वोट शुरू होती है काउंटिंग 35 से 40 हज़ार वोटों की होती है, तो हमने जीरो से शुरुआत की थी। तो आपके तो नींव लगी हुई है, अब तो फाउंडेशन भरा हुआ है, तो उसमें बिल्डिंगें कितनी मजबूत बनाओ ना, आप तो इतनी मजबूती से आरएलपी को आगे निकालो कि सबके घुटने टिक जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव का परिणाम हमारा कुछ भी रहा, उसका हमें गम नहीं है। आज हमें फक्र है कि सुजानगढ़ की धरती पे जो लोग आज हनुमान जी वहाँ आपके आज गांव गांव घूम रहे हैं, ऐसे हमारे भी गांव गांव घूमे थे, और हनुमान जी वादा करके गए थे कि आपके कभी भी किसी भी आधी रात का किसी भाई या बहन के अगर काम पड़ जाए तो आप मुझे याद करना, मैं सबसे आगे की पंक्ति में आपको मिलूंगा। मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक हमारे भाई थे जो मध्य प्रदेश में उनकी गाड़ी को लूट लिया था लुटेरों ने, और उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा भाई तू खुद ही बात कर ले, हनुमान जी तो एक यान का नेता ही कि बाने बीच का जगह है, मध्यस्था करने वाला लोग ही ने, बाकी जरूरत को नहीं। और भी दिन मैंने अच्छे से याद है, लाल सितंबर की बात है, नेताजी दिल्ली जयपुर आन लाग रहा, और वो ट्रक को एक ड्राइवर भाई हनुमान जी ने फोन करो, हनुमान जी बटिया के SP और बटिया के सांसद ने फोन करो कि वो मेरा छोटो भाई है, जबकि वो क्यों हो एक ड्राइवर को आने वालों आदमी हो। और भी कि थाने यकीन को नहीं हुए, मैं थाने विश्वास दिलाऊं और एकदम सही बात है कि 6 घंटा के माने 150 किलोमीटर SP आए, बा लुटेरा ने पकड़िया, और भी भाई का जेब के मान 19,000 रुपया काट लिया, भी को मोबाइल छीन लियो, और भी कि दो गाड़ी पे खड़ी रही, वहाँ को 5,000-5,000 रुपया दाढ़ी, 19,000 रुपया, और 9,000 को भी को मोबाइल कीजिए की वो कीमत बताई, बस सारा का सारा दिवाया। आज कोई चोर को नू दिवा सके के सिर्फ एक हनुमान मेनी वाली यान को आदमी है जो को करवा सके। दूसरी बात है, आज हमारे गाँव का मान जब भी कोई समस्या हुआ में तो हनुमान जी को एक घर है जो कोई यान को घर है। मैं पहले सुजानगढ़ का मान रेड आ जा, मैं यहाँ सुने जा, मारे थोड़ा यकीन कम हो बाबा जी, आज सही बात है। मारे पहले पूछा करता कि आज मास्टर जी को मूड किया है, जावा कौन जावा, थारे भर का बुड्ढा बुड्ढा जाता ने बन भी वो बेइज्जत करके निकाल दिया कर, तो जानू पहली मंत्री जी वाला घरा पग देनो पहली, दिल की धड़कन नहीं जी की यहाँ तेज हो जाया करती। लेकिन अब जबकि सुजानगढ़ की जनता बैठे जाज ना पानी लागे कि वो हनुमान जी को घर को नहीं, वो तो मारो ही घर है। आज ते देखने लाग रहा हो आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, आज छोटी छोटी नन्नी नन्नी बालिकावा जका के मासूम बच्चे को सागर रेप हो जाए, आज थाने का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं, आज एम्बुलेंस का मान महिलाओं सुरक्षित नहीं, इको कौन है जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार सरकार है, और सरकार से ज्यादा कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो 5 दिन के खोखले वाते करते हैं ना, उन लुभावने वातों में हम आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। अब जल ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, अब लोग कहेंगे कि ये तो जाटों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, गुंडों की पार्टी, कुछ भी कहने को कह सकते हैं, कौन किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकता है, बर्तन हो तो उसमें ढक्कन लग सकता है, किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं, किसी को मुंह अगर रोकता है तो वो काम रोकता है। आज इस पार्टी में आपके सामने बैठे हैं, आज राजस्थान में 3 विधायक आरएलपी के हैं, जिनमें से 2 दलित समाज से आते हैं जो आपके सामने ये बैठे हैं। हमारे सुजानगढ़ में रिजर्व सीट थी, आज तक मेघवालों ने किसी को दूसरी जाति को आने ही नहीं दिया, क्या रिजर्व सीट के अंदर मेघवाल का ही हक बनता है क्या? हनुमान जी ने पहली बार अगर किसी की चिंता की तो वो नायक समाज से सीताराम जी को वहां की टिकट दी, और सीताराम जी को ऐसा मान और सम्मान मिला, भंवरलाल जी भले ही हमारे मंत्री रहे थे, उनको गाँव में ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला था। एक एक गाँव में 11-11 DJ आना, रात की 3-3 बजे तक माताएं बहने ग्वाड़ के अंदर वेट करना, इंतजार करना, उनका भाषण सुनना,
तो वो क्या है? वो हनुमान जी का काम है, वो हनुमान जी के एक विचारधारा है। हनुमान जी किसके लिए? अपने लिए नहीं लड़ रहे। तन ध्यान है कि आज एक वार्ड को पंच हुआ है, जो को पंच आपकी खुशी कौन छोड़े अगर कोई अगर लालच नहीं हुए तो। लेकिन हनुमान जी तन ध्यान है, चार चार पांच पांच बार मंत्री पतन ठोकर मार दी की खातर है। गरीब मजदूर किसान आके मान और सम्मान की खातर ठोकर मारी है। अगर हनुमान जी को मान और सम्मान बढ़ाना है तो आप लोगों ने हनुमान जी के भारी जगह आते वोट करोगा। भाई लालचंद जी मत समझाना थे, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को समझना, क्योंकि एक एक वोट उनके हाथों को ताकत देगा। आज इस सरदार सर की चुनाव को आज पूरे राजस्थान ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस पूरी विधानसभा पे टिकी हुई है कि सरदार सर से कौन सरदार निकल के आता है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है तो जीतेगी तो क्या है, वो कहेंगे कि हम राज में है। और मैं आपको एक और बताऊं, जैसे हमारे चुनाव हुए थे ना तो जातिवाद मंत्री लाएंगे ये कि अरे मीणा किसे गांव का मानी, मीणा ने पकड़ लिया है, गुजर किसे गांव में है, डोटासरा कौन से गांव का मानी, फलाना फलाना किसे गांव का मान, जाटी जातिवादी है मंत्री ले रहा जान लथारे कने। लेकिन वह मंत्री सिर्फ लंबी धोती चोड़ो कड़प लगा भरे होला, लेकिन भी कह बात का मान मुड़े कदी थाने मुंह ही नहीं दिखाऊला। अगर मुंह दिखा सके है तो वो राजस्थान की एक ही शख्सियत है, बिगो नाम है हनुमान बेनीवाल। आज वो चुनाव अगर जीत से हो तो एक तरह की आज जीत हनुमान जी की नहीं, आज सागे सागे थारी जीत है, जो कि आज 35 सालों सरदार शहर की धरती ने किसान कौम ने लूटता रहे, आज लुटेरा गए एक तमाचो लगेगो। और वो तमाचो मनिया लाग रहे कि तारे सरदार शहर के मान तो आंधी नहीं सुनामी आ गई है। अब एक बार सारे भाई अगर हनुमान जी को दिल से सपोर्ट करते हो तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दो हनुमान जी को कि भाई लालचंद जी मूड को, दोनों हाथ उठा बाबा काटो ना हाथ, वेरी गुड। बहनो आप भी वोट की ताकत तो आपको भी उतनी है जितनी भाइयों को है, उतनी ताकत आपकी वोटों को है। अब मैं अंतिम में एक ही निवेदन युवा साथियों से करना चाहूंगी कि 5 तारीख को जो होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपने कोई भी गांव डाणी खेत में किसी भी कोने में या अपने गांव की कोई महिलाएं पियर गई हुई है तो जैसे सरपंच के चुनाव में उनको लाते हैं ना, वैसे एक एक वोट डलवाना है। और इतने भारी मतों से जीता के लालचंद जी मूड को विधानसभा में भेजना है ताकि 3 से 4 MLA हमारे बने भारत माता की।